ध्यान रखने योग्य बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए काम की बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर एक, आँखों का फड़फड़ाना विटामिन डी और विटामिन 12 की कमी की वजह से होता है और पूरी नींद ना लेने या ज़्यादा थकावट की वजह से भी हो सकता है। तो आप अपनी आँख बंद करके थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करें या आँख को आहिस्ता आहिस्ता खुल बंद करें, जिससे आँखों का फड़फड़ाना बंद होगा। नंबर दो, यदि थायराइड की वजह से महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या हो जाती है तो इसके लिए प्याज का रस और सरसों का तेल मिलाकर अपने बालों में मसाज करें, जिससे बाल झड़ने की समस्या नहीं होगी। नंबर तीन, दूध में 3 से 4 लहसुन की कलियां डालकर अच्छी तरह पकाएं और दूध को पकाकर आधा कर लें। इससे गठिया की बीमारी और जिस हिस्से में नसें फूलकर मोटी हो जाती हैं और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता हो, तो लहसुन वाला दूध पीने से गाढ़ा खून पतला होगा। नंबर चार, अगर आपको लीवर के अंदर की गंदगी साफ़ करना है तो 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा लीमू, काली मिर्च, 1 चम्मच शहद और हल्दी डालकर पी लें, जिससे लीवर पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिससे सांस फूलने की समस्या भी नहीं होगी। नंबर पाँच, दांत खाज खुजली को कम करने के लिए फिटकरी में एलोवेरा जल मिलाएं, जिस हिस्से पर खुजली हो रही हो वहां पर लगाएं और सूखने पर पानी से धो लें। नंबर छः, हाई बीपी रहना चंद महिलाओं और पुरुषों में आम हो गया है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए ये ज़रूर करें, नाश्ते से पहले 5 लहसुन की कलियों को दूध में अच्छी तरह पकाकर पी लें। 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना करें, हाई बीपी बढ़ने की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 7, कीवी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। कीवी के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या में भी लाभ हो सकता है। फाइबर की मौजूदगी से पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है। नंबर 8, कम नींद लेने के नुकसानात। पूरी नींद ना लेना मानसिक और शारीरिक समाधान शक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। नंबर 9, डेंगू बुखार होने पर ब्लड सेल्स तेज़ी से गिरने लगते हैं। इन ब्लड सेल्स को गिरने से रोकने के लिए कीवी एकमात्र फल है, जिससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। नंबर 10, सपोटे के फल के अंदर के बीज को पीस कर खाने से गुर्दे की पथरी यूरिन के साथ निकल जाती है, साथ ही ये गुर्दे के होने वाली बीमारी से बचाती है। नंबर 11, बेसन में हल्दी और नारियल तेल मिलाकर चेहरे, गर्दन और हाथ पैरों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से मसाज करके ठंडे पानी से धो लें, चेहरा, गर्दन और हाथ पैर का सियापन दूर होगा। नंबर 12, सेब आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है। इसके रोज़ाना के सेवन से चेहरे पर होने वाले काले और सफ़ेद धब्बे कम हो जाते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है। नंबर 13, यदि आपको भयंकर खुजली हो रही हो, कम होने का नाम नहीं लेती हो, तो आंवले की गुठली को जलाकर पाउडर बना लें और नारियल तेल में मिलाकर जहां पर खुजली होती है वहां लगाएं, दांत खाज से आराम मिलेगा। नंबर 14, यदि आपके बाल बहुत झड़ते हैं और बाल कमज़ोर होने की वजह से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो 2 गिलास पानी में 3 चम्मच अलसी डालें और अच्छी तरह पकाएं। पानी को पकाकर आधा कर लें, फिर इसको ठंडा करके इसमें 1 चम्मच के करीब वैसलीन मिलाएं और नहाते समय अपने बालों पर लगाकर मसाज करें। 1 हफ्ते में आपके बाल की लंबाई बढ़ जाएगी। नंबर 15, रोज़ाना अपने होठों पर आलू, चुकंदर और नींबू का रस मिलाकर अपने होठों पर लगाते हैं तो होठ
धूल की तरह गुलाबी होंगे और सियापन भी चले जाएगा। नंबर 16, यदि आप रोज़ाना 2 से 3 मौसम्बी खाते हैं तो इससे जिल्द पर फोड़े, फुंसियाँ और जिल्द पर खुजली और धब्बे होने की समस्या नहीं होगी। नंबर 17, यदि आप रात के खाने के बाद 3 इलायची चबाकर गर्म पानी पी लेते हों तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। नंबर 18, पुदीने के चंद पत्तों को चबा लिया जाए तो हाजमा सही होता है। नंबर 19, रोज़ाना 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सौंफ मिलाकर पीने से पेट से होने वाली कई बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 20, दही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके ऊपर का पानी अगर रोज़ाना पी लिया जाए तो लीवर साफ होता है। नंबर 21, टूथपेस्ट को किसी कपड़े पर लगाकर और सुखाकर धो देने से कपड़े का गहरा दाग भी फौरन निकल जाएगा। नंबर 22, एक इंसान अपनी जीवन में 60,568 लीटर पानी पी लेता है। मिट्टी के बर्तन। नंबर 23, बारिश के पानी में भिगारा होता है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर 24, चुकंदर का जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और तेजी से दौरान खून में इजाफा होता है। नंबर 25, जिन घरों में नीमू का पौधा हो वहां पर मच्छर नहीं आते। नंबर 26, अगर आपको काम करने के दौरान नींद आने लगे और सुस्ती होने लगी या कमज़ोरी महसूस होती हो तो फौरन अदरक वाला पानी पी लें। नंबर 27, अगर नाक में कीड़ा चले जाए तो उंगली पर गुलाब का रस लगाकर नाक में डाल दें, कीड़ा बाहर निकल जाएगा। नंबर 28, पैरों के दर्द या लिकोरिया को कम करने के लिए रोज़ाना कुछ दिन तक 7 बादाम खाएं। नंबर 29, अगर पेट की कोई भी दिक्कत हो तो मूंग और मसूर की दाल ज़्यादा खाया करें। नंबर 30, हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, जिससे आपकी सेहत बनी रहेगी और आँखों की नीचे डार्क सर्कल भी नहीं आएंगे।